एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शक्ति ठाकुर आपके साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज से डेली व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं मेरे। तो मैं आज आया हूं संगम, जो कि मैं सोलो आने वाला था, बट मेरा दोस्त मेरे साथ आ चुका है। और यहां पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है और आगे आप देखेंगे आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। स्टार्टिंग में मेरे दो दोस्त मुझे मिले, मेरा स्केटबोर्डर मेरा दोस्त मिला, वो भी दिखेगा आपको। एंड आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा है और आज का नज़ारा बहुत ही प्यारा। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। You can see the view. Beautiful. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। So guys, मैं उठ चुका हूँ अपने डेली व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक माई डेली व्लॉग्स। बज रहे हैं सुबह के 4:01 सितंबर। अब ये कौन है? हेलो। अरे यार, व्लॉग शूट हो रहा है, परेशान मत करो यार। ऐसे ऐसे लोग हैं। हे जेनी, गुड मॉर्निंग। ब्रश करो। बे, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? थोड़ा अच्छे से कर लेना। नहाओ और निकलो। मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो ये लग रही है। ओए, तेरे को थोड़ी ना बनाना है ब्लॉग, हट। सुबह हो चुकी है, 4:30 बज रहा है, इसलिए काफी ज्यादा अंधेरा है, इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बनाते हैं चाय। वो बड़ा भारी होता है यार ये दूध। तो पानी तो खौला दिया है, दूध ये रखा हुआ है। चलिए चाय पत्ती ढूंढते हैं। ए, कैसे ढूंढ लेती है मम्मी लोग चाय पत्ती इतनी जल्दी? कहाँ है कहाँ है ये? एक हाथ से व्लॉग करने का स्ट्रगल, इधर चाय बन रही है, इधर ये, मतलब बताओ कैसे कैसे छाने चाय, कैसे छाने? स्ट्रगल बोलते भाई, स्ट्रगल बोलते। किस तरह छन जा, छन जा, व्लॉग है, छन जा यार। हाँ, छन गई छन गई। चलिए चाय पीते हैं फिर, अच्छी बनी है। और गाइस, ब्लॉग बनाने के लिए नहाना जरूरी नहीं है, आप मुंह भी धुल सकते हैं और टी शर्ट बदल लें, बस खत्म बात। लेट्स स्टार्ट। गाइस, सुबह के 5 बजने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक माय व्लॉग्स, लेट्स गो। और डेली व्लॉग के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, मतलब स्टार्ट करते हैं क्या होता है। एंड डेली व्लॉग्स बनाने का मेरा मोटिव ये है कि घर में आप ट्रैवल करने को दिया नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ COVID-19। एंड तब तक मैं क्यों ना डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, यू एंजॉय माय लाइफस्टाइल। आज मैं ड्राइव करते हुए वीडियो नहीं बना पाऊँगा बिकॉज आई एम सोलो, मेरे पास कोई GoPro नहीं है, आई एम शूटिंग विथ माई फ़ोन। तो मीटिंग पॉइंट पर ही कैमरा ऑन होगा। तो गाइस, मीटिंग पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो जल्दी आए तो फिर बने ब्लॉक। कुछ भी कहें, एकदम सुबह उठ के राइड पे जाने का ना फील ही अलग होता है। हैप्पी कोरोना भाई। हमने क्या देखा आदित्यन भाई, हमारे पहले स्केटबोर्डर इलाहाबाद के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे मिले हरियाणा के लोग सातों सात, और मेरे पीछे एसआर जी जो कि ट्रैवलर नहीं टूरिस्ट हैं। इनके बॉडी के टैटू, ओ भाई, क्या ही कहना क्या ही कहना। ये आदित्यन भाई, आज ट्राई करते हैं स्केटबोर्ड, आगे देखते हैं क्या होता है। ट्राई करो ना, बहुत नहीं हो। तो वहां से निकले हम संगम सनराइज पकड़ने के लिए, लेकिन सनराइज तो हो चुका था, पर फिर भी यार जब भी संगम आता हूँ ना, एक अलग ही वाइब आती है। इस संगम का पहले क्या सीन होता था कि पहले यहाँ पे पानी नहीं होता, बट जब बारिश होती है तो यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा होता है।
मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ चलती थी सड़कों पे, वहाँ पे पानी आ चुका है और लोग वहाँ पे नहा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है और मुझे लगता है कि एकदम मेरा सही डिसीज़न था आज का ब्लॉग बनाने का, और मैं अब ऐसे ही ब्लॉग बनाता रहूँगा क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला था कि ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट है, ट्रैवल ब्लॉग्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट डेली ब्लॉगिंग इम्प्रूव करती है एक ब्लॉगर को, तो ये क्या पता मुझे इम्प्रूव करे। कोरोना के रहते हुए भी इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब यू कैन सी द व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है और सब कुछ आप देख सकते हैं। दोनों भाई क्या कहना चाहते हो, कैसा लग रहा है अभी? रोड पे पानी के आने के बाद भी लोग पूरी मस्ती से नहा रहे थे, जैसे उनको मन कर रहा था वैसे नहा रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोरोना है अभी। आज मैं नहाना सेफ फील नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और मुझे लग रहा है कि जब खाली होगा तो उसके दिन एक नया ब्लॉग बनेगा, उस दिन नहा के दिखाएंगे। आप खुद ही देख सकते हैं सुबह के 6 बजे जब इतनी भीड़ है तो सेफ फील नहीं हो रहा नहाने में। तो मुझे ब्लॉग बनाते बनाते मुझे मिला है मेरा एक दोस्त। भाई डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, करोगे कि नहीं? ओके ओके। ये नहाया है, बताओ इतनी हिम्मत है इसके अंदर। हम घूमने के बाद काफी ज्यादा भूख लग रही है तो हम आए अपने जलेबी पॉइंट पे, तो आइए जलेबी खाते हैं। गाइज होप यू लाइक माई वीडियो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है डेली व्लॉग्स करने में। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ट्रैवल में, आप स्क्रिप्ट करें और बहुत सारी एडिटिंग, पर डेली का एक अलग ही मज़ा है। देख रहे हैं जलेबी की हालत देख रहे हैं। तो जाते जाते बस अपने पुराने वाले ब्लॉग में बोलना चाहती हूँ मैंने, अरे यार, तो जाते जाते मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ जो पहले ब्लॉग में बोला था, बस ऐसे ही करना है, ऐसे से करके बस ऐसे सब्सक्राइब करना होता है, कर दीजिए ना, अरे कर देते यार। जो है जलेबी की अगर डिस्क्रिप्शन करने का गोल दे तो गोल होती है, मीठी होती है और प्यारी होती है। तो जाते एक डिसलाइक करने वालों के लिए मैसेज, ब्रो